हेलो एवरीवन, आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले जो पूरे पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म हुए थे उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है या तो यूपीएससी ने पूछा हुआ है या फिर ये क्वेश्चंस जो है स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं, तो आप इनका आंसर ध्यान से देना। हम इसके आंसर को लास्ट में डिस्कस भी करेंगे। ओके, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 2017 में पूछा था एंड आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच किया गया है। फर्स्ट पेयर क्या है? राधा कांत देव, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। सेकंड क्या है? गजलु लक्ष्मी नरासु चेट्टी, फाउंडर ऑफ मद्रास महाजन सभा। थर्ड क्या है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिटिकल एसोसिएशन जो है वो प्री कांग्रेस फेज में, यानी कि कांग्रेस के फॉर्मेशन के पहले, इनमें से कौन सा एसोसिएशन बना था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन या फिर ये तीनों, ऑल ऑफ द एबव। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने 2017 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको इन चारों ऑर्गेनाइजेशन को विथ रेस्पेक्ट टू देयर फाउंडिंग ईयर, मतलब ये कि ये कौन से ईयर में फाउंड किए गए थे, उसके रेस्पेक्ट में आपको इनको करेक्ट क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। फर्स्ट क्या है? बंग भाषा प्रकाशिका सभा। सेकंड है लैंड होल्डर सोसाइटी। थर्ड है आपका बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एंड फोर्थ है आपका इंडियन लीग। आपको इन चारों को जो है करेक्ट क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने 1875 में एक पिटीशन भेजा था हाउस ऑफ कॉमन्स में एंड उस पिटीशन में डिमांड किया था इंडिया का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, इनमें से किस एसोसिएशन ने ऐसा किया था आपको बताना है। डेक्कन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा या फिर पूना सार्वजनिक सभा। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 2002 में पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि जो फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ था 1838 में वो कौन सा था? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेटलर्स एसोसिएशन या फिर आपका जमींदारी एसोसिएशन। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 1993 में पूछा हुआ था एंड अगेन इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया था उत्तराखंड पीसीएस में 2010 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि इंडियन एसोसिएशन का फाउंडर कौन था? दादा भाई नारोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए ओ ह्यूम या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये क्वेश्चन जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2001 में पूछा हुआ था एंड अगेन इस क्वेश्चन को यूपी पीसीएस ने 2008 में पूछा हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में से सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था, यानी कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बने थे ना, कई सारे ग्रुप बने थे, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप बने हैं प्री कांग्रेस फेज में, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के पहले, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन या फिर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ये क्वेश्चन जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2008 में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लीडर जो है वो ब्रिटिश के द्वारा डिसमिस कर दिया गया था फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस। ओके, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आरसी दत्त या फिर सुभाष चंद्र बोस। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 1999 में पूछा हुआ था। ओके, अब हम बात करते हैं आंसर्स का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो ये पेयर जो करेक्टली मैच है, यानी कि राधा कांत देव जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो आपके गजलु लक्ष्मी नरासु चेट्टी थे ये फाउंडर थे मद्रास नेटिव एसोसिएशन के। किसके? मद्रास नेटिव एसोसिएशन के, ना कि मद्रास महाजन सभा के।
तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो थे वो इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर थे। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये तीनों एसोसिएशन जो है आपका, ये प्री कांग्रेस फेज में बने हुए थे। ओके, प्री कांग्रेस फेज यानी कि कब, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के पहले जो है ये तीनों एसोसिएशन फॉर्म हुए थे। ओके, एक और एसोसिएशन था वो आपको याद रखना है, वो कौन सा था आपका, जमींदारी एसोसिएशन या फिर लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये भी जो है प्री कांग्रेस फेज में ही बना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बात करते हैं इनके करेक्ट क्रोनोलॉजी का अगर, तो देखिए ये वाला जो है ना बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ये सबसे पहले 1836 में फॉर्म हुआ था। इसको किसने बनाया था, तो वो थे आपके राजा राम मोहन रॉय ने। ओके, उसके बाद फिर आपका 1838 में आपका लैंड होल्डर सोसाइटी फॉर्म हुआ था। क्या हुआ था, लैंड होल्डर सोसाइटी जो है 1838 में फॉर्म हुआ था। इसको किसने फॉर्म किया था, तो वो थे आपके द्वारकानाथ टैगोर। ओके, द्वारकानाथ टैगोर ने लैंड होल्डर सोसाइटी को फॉर्म किया था 1838 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है वो आपका 1843 में फॉर्म हुआ था। ओके, एंड लास्ट में आपका इंडियन लीग जो है वो आपका 1875 में फॉर्म हुआ था, है ना, 1836, 1838, 1843 एंड 1875। ये किसने फॉर्म किया था, तो इसको फॉर्म किया था आपके शिशिर घोष ने। किसने, शिशिर घोष ने। तो करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या हो जाएगी आपका, 1, 2, 3, 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए पूना सार्वजनिक सभा ने पिटीशन सेंड किया था हाउस ऑफ कॉमन्स में, डिमांड एंड डिमांड किया था कि इंडिया का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ब्रिटिश के पार्लियामेंट में। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना था वो कौन सा था, वो था आपका, इस ऑप्शन में अगर देखें हम लोग, ठीक है ना, इस ऑप्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो जो फर्स्ट है वो कौन सा है, वो है आपका जमींदारी एसोसिएशन, जो कि आपका 1838 में बना था। ये जमींदारी एसोसिएशन कौन सा है, ये है आपका, ये जो मैंने आपको अभी बताया ना कि कहाँ गया, ये आपका लैंड होल्डर सोसाइटी है ना, यही, इसी को हम लोग जमींदारी एसोसिएशन भी बोलते हैं, एंड ये लैंड लॉर्ड्स के हित के बारे में बात करते थे। ओके, तो ये आपका जमींदारी एसोसिएशन जो है ये 1838 में सबसे पहले फॉर्म हुआ था। यहाँ पे 1838 दिया है, एंड आपको याद होगा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी जो है वो फॉर्म हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए इंडियन एसोसिएशन का फाउंडर कौन था, तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था फर्स्ट में ही कि ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ था कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो है वो इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर थे, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था ना वो आपका इंडियन एसोसिएशन ही था। कौन सा था, इंडियन एसोसिएशन ही, एंड इंडियन एसोसिएशन को किसने फाउंड किया था, तो वो थे आपके सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ओके, बात करते हैं इस क्वेश्चन का। तो देखिए कौन से इंडियन लीडर डिसमिस किए गए थे ना ब्रिटिश के द्वारा, तो वो थे आपके सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। जो आपके सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, जब ये इंडियन सिविल सर्विस को क्वालिफाई करते हैं ना, तो इनको सबसे पहले टेक्निकल ग्राउंड पे डिसमिस किया जाता है, लेकिन बाद में जो है कोर्ट ऑर्डर करता है कि नहीं इनको सर्विस मिलने चाहिए, लेकिन अगेन जो है ब्रिटिश इनको बेसलेस ग्राउंड पे जो है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को डिसमिस कर देते हैं। ओके, तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का, एंड वो ये है कि जो आपका इंडियन एसोसिएशन है ना, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के साथ आपका एक और लोग थे जो कि इसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, एंड वो थे आपके आनंद मोहन बोस। तो आपको याद रखना है कि इंडियन एसोसिएशन को दो लोगों ने मिलकर बनाया था, एक थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड सेकंड थे आपके आनंद मोहन बोस। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जब हम बात करते हैं पूना सार्वजनिक सभा का ना, तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि एम जी रनाडे, कौन, एम जी रनाडे एंड आपके जो है जी बी जोशी,
ना इन दोनों लोगों ने मिल करके पुनः सार्वजनिक सभा को फॉर्म किया था। तो एटलीस्ट जो है, जब भी आप कोई सोसाइटी या फिर एसोसिएशन पढ़ते हो तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि इसको जो है किसने फाउंड किया था एंड इसके मेंबर्स कौन कौन थे। ओके, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।